हेलो अरे, कैसे लोग? हेलो अमन, सैनी, हेलो नाजमीन, सभी को हेलो। कैसे हो सभी यार? नाजमीन नाम सुना सुना लग रहा है। यस, आपका पहले कमेंट आया था एक बार। यस हेलो विधि, हेलो सभी को हेलो। कैसे हो यार? तुम्हारा जो आज लेक्चर है 1 अप्रैल को, बोलते जा रहे, बात कर रहे हम लोग किसके, ब्रिक्स के बारे में। ठीक है, राइट, बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करते हैं। हेलो सक्षम, हेलो सविता, हेलो अदिति, हेलो सभी को, हेलो सभी को गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया यार, सब बढ़िया है, एग्जाम पास में आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया से अपना पूरा पूरा एफर्ट 100% नहीं 100% की जगह 500% अपना एफर्ट लगा रहे हैं। वेंकटेश, वेंकटेश भाई का कमेंट आ गया। हेलो सर, हेलो वेंकटेश, कैसे हो यार? बहुत बढ़िया है। कोई कोई हमारे भाई बंधु भी जुड़ रहे हैं, जुड़ जाते हैं। बढ़िया है, बढ़िया है। बाकी बताओ यार, सभी क्या हालचाल है? सबसे पहले अपन बात करते हैं नॉर्मल ब्रिक्स के बारे में। कल की वीडियो के अंदर अपन ये बात कर रहा था कि कुछ फेमस बिल्डिंग्स देखी थी सर, कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स है और कौन कौन सी, अधिकतर जो बाहर की कौन सी बिल्डिंग्स है, फॉरेन बिल्डिंग्स के बारे में बात की थी। तो बढ़िया है, कोई भी सेशन मिस नहीं करें आज का, आज का सेशन मिस नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया यार। देखो सिंपल बात करते हैं, ये सब नोट्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे। एक तो कल वाली पीडीएफ जो कि हमारे पास बाकी थी, कल की जो हमारे पास फेमस बिल्डिंग्स की पीडीएफ थी, और आज वाली ये, इसके अंदर बात करेंगे किसकी, मटेरियल के बारे में। साथ साथ में क्यू एन ए सेशन भी करते चलेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते जाऊंगा लगातार। आप चाहे तो उसका आंसर दे सकते हैं, मतलब देना ही है आपको आंसर, ठीक है ना? आंसर नहीं भी आते हैं तो जल्दी से कहीं से भी निकाल कर दें, पर लेकिन आंसर दें ताकि हैंड टू हैंड हमको क्वेश्चन याद हो जाए, ऐसा हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। नॉर्मल चीजें हैं, ब्रिक्स वगैरह की साइज क्या होती है, सीमेंट के अंदर क्या रेशियो होता है, किस चीज का मिक्सचर होता है, सीमेंट ब्रिक्स किसका मिक्सचर होता है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पर सीमेंट के लिए, आपको देखा होगा आपने, जो अगर प्रैक्टिस आप करी होगी अब तक तो अच्छा खासा, मोस्टली सिलेबस भी खत्म हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एप्टीट्यूड से वाले सेक्शन का जो अभी तक एज एक रिविजन कर रहे हो, ठीक है? ये समय है एप्टीट्यूड का, रिविजन करने का समय है ये, एप्टीट्यूड सेक्शन का। अधिकतर चीजें सब खत्म हो चुकी है। कविता सैनी, गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। तो ब्रिक्स के अंदर बात करते, सिंपल सी बात है, ब्रिक्स के अंदर कंस्ट्रक्ट की बात करते, किस किस का क्या मिक्सचर कैसे क्या होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती है, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा से मिलकर जो है मोस्टली कॉमन यूज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बिना ब्रिक के तो भैया जो है काम होता ही नहीं है। अगर घर की इमारत खड़ी करनी है तो बिना ब्रिक्स के तो काम यहाँ पर जो है इम्पॉसिबल है, राइट? ब्रिक्स प्रिपेयर्ड बाय मॉड्यूलिंग क्ले इन रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ब्रिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको एक रेक्टेंगुलर, पता है ब्रिक्स कैसे प्रिपेयर होती है, ब्रिक्स के लिए एक रेक्टेंगुलर खाचा लेते हैं, खाचा खाचा इसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो लिखा है यहाँ पर दिख रहा होगा हमको, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक अगर हिंदी में भाषा बोलते हैं, हिंदी में तो बोल सकते हैं कि जैसे आपने घरों में देखा होगा, हम लोग जब घरों में सुबह सुबह नाश्ता बनाते हैं, ठीक है, तो जिसने वो खाई होगी कभी इडली सांभर, इडली इडली खाई होगी, इडली इडली क्या है कि इडली ऐसे गोल गोल जो होता है उसको बोलते हैं, उसमें सर्कुलर वो ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर रख के जो भी गोल होता है उस पर रख दिया जाता है इडली को, और फिर उसको क्या कर रहा है, गैस के ऊपर सेक दिया जाता है, फिर इसी शेप के अंदर जो है इडली आपके पास बनकर तैयार हो जाती है। सेम काम करना है, यहाँ इडली बनाते हैं घर में, और वहां घर बनाने के लिए क्या ईंट बनानी है, तो ईंट के लिए जो एक रेक्टेंगुलर सा यहाँ पर ब्लॉक जो है इस चीज के लिए लिया जाता है, ठीक है? इसके अलग अलग चीजें लिखी होती है, राइट?
अंबुजा सीमेंट, जेपी सीमेंट, अधिक तरह की सीमेंट से। उसके बाद एंड देन ड्राइंग, उसके बाद जब यह सब चीज क्ले में इसमें रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर उस खांचे में भर दिया जाता है, उसके बाद उसको सुखा दिया जाता है एंड बर्निंग दीज ब्लॉक्स। उसके बाद क्या करा, उसको ईट को सेकी जाती है। आपने देखा होगा कभी ट्रेन में जाते हैं तो जब हम ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं घर पे या कहीं भी देखा होगा आपने, तो ट्रेन के जब साइडों में हम देखते हैं बहुत सारे खेत खलियान आते हैं, बहुत सारी कच्ची पक्की जमीन आती है जहाँ पर फसल उगी होती है, वहां पर आपने देखा होगा बहुत दूर दूर से बड़ी बड़ी वो एक लंबे से खंबे खंबे लगे होते हैं, कुतुब मीनार जैसे खंबे लगे होते हैं, और उन कुतुब मीनार जैसे खंबों से ऐसा कुतुब मीनार जैसे खंबे लगे होते हैं ऐसा, ठीक है, कुतुब मीनार जैसे खंबे लगे होते हैं, और उन कुतुब मीनार जैसे खंबों से ऊपर से गोल सा होता है और वहां से क्या थोड़ा सा धुआं निकल रहा होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है, कुतुब मीनार जैसे खंबों से क्या धुआं निकल रहा होता है, तो वो क्या है, वो ब्रिक्स के ही क्या है, वहां पर ब्रिक्स की वहां पर वो चीज, वो ब्रिक्स मेकिंग वो जगह होती है जहां पर ब्रिक्स सिक रही होती है नीचे, इसमें क्या करते हैं इसको ब्रिक्स को बर्न की जाती है, ठीक है, ऐसा होता है, तो बोलते क्या चिमनी, ये चिमनी होती है। इन ऑर्डर टू गेट अ गुड क्वालिटी ब्रिक द ब्रिक अर्थ शुड कंटेन, गुड क्वालिटी के लिए क्या क्या चीजें मिनरल्स उसके अंदर होने चाहिए, क्या क्या जो भी चीजें उसमें होनी चाहिए, चीजें हैं जो कंपोजिशन होना चाहिए, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा। फिर नीचे बात करते हैं तो नेक्स्ट बात कर रही है सिलिका के बारे में बात कर रखी है, ब्रिक अर्थ शुड कंटेन अबाउट 50% ऑफ सिलिका, अधिकतर मात्रा क्या है सिलिका की, सबसे ज्यादा मात्रा होती है 50% सिलिका होता है उसमें। रिस्पॉन्सिबल प्रिवेंटिंग क्रैकिंग, श्रिंकिंग एंड रिपिंग ऑफ रॉ ब्रिक्स, ऑल्सो इफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स, प्रेजेंस इन एक्सेस द डिस्ट्रॉय द कोहेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इन द ब्रिक, बिकम्स ब्रिटल, ब्रिक्स को ब्रिटल ना हो ज्यादा एकदम टाइट रहे तो उसके लिए ज्यादा प्रेजेंस एक्सेस में नहीं होगी, बस ठीक है लिमिटेड 50% तक रहना चाहिए सिलिका, ज्यादा भी एक्सेस में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्रिक्स क्या है ब्रिटल हो जाएगी, ब्रिटल मतलब है कि थोड़ा सा गिर गई या थोड़ा सा किसी और के टकरा गई तो उसके क्या है दो टुकड़े हो जाएंगे ब्रिक्स के, ठीक है, तो ब्रिक्स के दो टुकड़े ना हो उस कारण चीजों को। आशना गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, एडमिट कार्ड आ गया है ये आपके सिटी सेंटर वगैरह आ गई होगी अब तक, तो डेट हमारे पास जो एग्जाम डेट जो है 12th अप्रैल को हो गई, फिक्स हो चुका है, जो भी मैंने आपको पहले बोला ही था कि उम्मीद की जाती है अप्रैल 12th अप्रैल को एग्जाम होगा, और फिक्स होता है कि सेकंड वाले सेशन में एग्जाम जो है वो लास्ट में ही होता है, ठीक है, तो बस टाइम है 10 दिन है, तो 10 दिन के अंदर एक दिन का अगर आप लोग 12 से 15 घंटे देते हैं तो हम कितने अच्छा सा 120 से लेकर 150 घंटे दे देंगे एग्जाम तक, ये कर लिया था फिर तो बहुत है। एल्यूमिना के बारे में बता रहा है, एल्यूमिना कितना परसेंट होता है, एल्यूमिना शुड कंटेन 20% to 30% ऑफ एल्यूमिना, इतना होता है क्या मात्रा, एल्यूमिन की मात्रा होती है, सारी चीज की मात्रा हमको होनी चाहिए, हर चीज की क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, कितना परसेंटेज क्या आ रहा है एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम के अंदर आ गया कि ब्रिक्स के अंदर बनाने में क्या चीज कितना कितना परसेंटेज लगता है तो आप लोग बता सके, ऑप्शन होगा आपका कि 20-30% एल्यूमिनियम, फिर कोमा लगा के होगा 50% सिलिका, फिर कोमा लगा के होगा 5-7% आयरन ऑक्साइड, फिर ऐसा ऐसा करते अलग चीज होगी, तो आप फिर नीचे उसी परसेंटेज को 25 कर दिया होगा, फिर नीचे उसी में 30 कर दिया होगा, उसी में 55 कर दिया होगा, तो लगाना है कि कौन से जानना है 20-30% चाहिए एल्यूमिना, तो वो पहला वाला ऑप्शन लगा दिया, ऐसे जी करके रेशियो याद रखिए, इसको भी सेम टेबल बनाकर ही काम करें, जो मैंने कल आपको बताया था थ्योरी वाले जितनी भी चीजें उसको टेबल बनाकर याद रखें, काम करें कि टेबल बनाई जाए उसके बाद काम किया जाए टेबल बनाकर, तब वो चीजें सही से हो पाएगी। द प्रेजेंस ऑफ लाइम शुड बी इन रेंज ऑफ 5-10%, लाइम के लिए बात करते 5-10% यहाँ पर होगा, गुड ब्रिक अर्थ प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स ऑन ड्राइंग, देखो श्रिंकेज होने से ब्रिक्स को क्या है ब्रिक्स की जो साइज है वह साइज मेंटेन रहे वो श्रिंक ना करे उसको रोकने के लिए क्या है हमारे पास वो ये चीज मिलाई जाती है, वो श्रिंकेज रोकती है ब्रिक्स का, सूखने के बाद ब्रिक्स क्या है साइज श्रिंक ना हो जाए उसको रोकने के लिए लाइम को यूज किया जा रहा है। इट कॉजेज सिलिकॉन क्ले टू मेल्ट द बर्निंग एंड दस हेल्प टू बाइंड इट, एक्सिस ऑफ लाइम कॉजेज द ब्रिक्स टू मेल्ट एंड ब्रिक लूजेज इट्स शेप, तो कुछ भी चीज एक्सिस ना रहे हर एक का जो रेशियो है वो परसेंटेज है वो फिक्स कर रखा है, तो उस चीज को हमको क्या पढ़ना थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन ऑक्साइड के बारे में, आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं कितना परसेंटेज होगा, आयरन ऑक्साइड का भी सेम 5-7% होता है, जो कि ऊपर था 5-5% लेवल का था 5-10%, ये 5-7% होगा, मतलब ये लाइम से इसका रेशियो जो थोड़ा कम होगा। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्रिक्स, रेड कलर इससे आ रहा है हमारे पास, इंप्रूव्स द इंपरेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, प्रेजेंट इन एक्सेस देन कलर ऑफ ब्रिक्स बिकम्स डार्क ब्लू, अगर ज्यादा हो जाती है तो डार्क ब्लू और ब्लैकिश टाइप में उस वजह से हो जाता है, इस चीज को याद रखें। चीजों के सामने साथ साथ में कॉपी और पेन निकाल कर रखें और जो जो चीजें हैं उसको लगातार पॉइंट के रूप में लिखते चलें, जैसे आपने हेडिंग डाली पहले भैया लाइम, तो लाइम के अंदर ये लिख लिया ऐसे कि 5-10%, जैसे आपने यहाँ पे हेडिंग लिखी यहाँ पे क्या लाइम, तो पहले लिख लिया कि 5-10%, नेक्स्ट लाइन खींची फिर लिखा ये श्रिंकेज होने से, तो लिखा प्रिवेंट श्रिंकेज ऑफ ब्रिक्स, फिर नीचे लिखा कि एक्सिस अगर कॉजेस सिलिकॉन क्ले टू मेल्ट बर्निंग एंड हेल्प्स टू बाइंड इट, क्या लिखा एक्सिस ऑफ लाइम कॉज द ब्रिक्स टू मेल्ट, तो एक्सिस के अगर कारण अगर एक्सिस हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो सब चीज ऐसा करके चीज जो है
पॉइंट बना के लिखते चले, तो आपको इससे आप एक दूसरे का क्या है थोड़ा जुड़ाव महसूस करेंगे और ऐसा लगेगा कि ऑफलाइन के अंदर हम लोग बैठे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में तो खैर हमको नोट पढ़ना ही है। इफ क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड इज कंपेरेटिवली लेस द ब्रिक्स बिकम येल्लोइश इन कलर। अब क्वांटिटी क्या है लेस रहती है तो ब्रिक्स क्या है येल्लोइश हो जाती है कलर में, इस चीज का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशिया के बारे में, बात करते हैं मैग्नीशिया के बारे में क्या बोलता है मैग्नीशिया। गुड ब्रिक्स आर शुड कंटेन लेस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशिया अबाउट 1%, 1% अबाउट मैग्नीशिया जो हमारे पास होता है। सबसे कम कोई क्या होता है मैग्नीशिया, देखो कितना कम है मैग्नीशिया। मैग्नीशियम इन ब्रिक अर्थ एम्पर्स येलो कलर येलो टिंट टू द ब्रिक, कुछ येलोइश येलोइश जो एक शेड टाइप जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग श्रिंकेज, ये भी श्रिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिड्यूसिंग श्रिंकेज एक्सिस ऑफ मैग्नीशिया लीड्स टू डीके ऑफ ब्रिक्स। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक्स, ब्रिक्स में कौन कौन से बहुत हार्मफुल जो है पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। बिलो मेंशन सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स अनडिजायर्ड इन ब्रिक्स इन ब्रिक अर्थ। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लाइम इज रिक्वायर्ड इन ब्रिक अर्थ। अगर स्मॉल क्वांटिटी हम लेते सेम अभी जो अपन ऊपर बड़ी वही बात है कि स्मॉल क्वांटिटी में ही चीजों को रखनी है। अगर ये लार्ज एक्सिस में हुई इफ इन प्रेजेंट इन एक्सिस इट कॉजेज ब्रिक्स टू मेल्ट एंड हेंस ब्रिक लूजेज इट्स शेप। उसका शेप श्रिंक हो जाएगी तो उसका क्या होगा मेल्ट हो जाएगी या फिर श्रिंक हो जाएगी तो उसका क्या शेप बिगड़ जाएगा। और जो हमारे पास डायमेंशन रहता है स्टैंडर्ड उसकी क्या है 12 बच जाएगी। तो इसलिए वो सब चीजें याद रखनी जरूरी है। इफ लाइम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लम्प देन इट्स कन्वर्टेड इनटू क्विकलाइम आफ्टर बर्निंग। दिस क्विकलाइम शेक्स एंड एक्सपैंड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कॉजिंग स्प्लिटिंग ऑफ ब्रिक्स इनटू पीसेस। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन पायरेट्स, जो यहाँ पर ध्यान रखें प्रेजेंस ऑफ आयरन पायरेट्स इन ब्रिक अर्थ कॉजेस द ब्रिक टू गेट क्रिस्टलाइज्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड ड्यूरिंग बर्निंग बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पायरेट्स। पायरेट डीकलराइज द ब्रिक्स, देखो ध्यान रखें बैक द ब्रिक्स को कौन डीकलराइज करता है तो कौन करता है कौन सा इंग्रेडिएंट है वो पायरेट्स। ऐसे छोटी मोटी चीज का एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्केली, देयर इज द एक्जिस्टिंग ब्रिक अर्थ इन द फॉर्म ऑफ सोडा पोटाश। देखो सोडा और पोटाश के फॉर्म में एल्केली यहाँ पर दो आ गया। एक्ट एज अ फ्लक्स इन द किन ड्यूरिंग बर्निंग एंड इट कॉजेज ब्रिक्स टू यूज फ्यूज ट्विस्ट एंड वार्म बिकॉज ऑफ दिस ब्रिक्स आर मेल्टेड एंड दे लूज देयर शेप। द एल्केलीज रिमेन इन ब्रिक्स टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। देखो ब्रिक्स के अंदर जो एल्केली होती है एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है व्हेन ब्रिक्स आर यूज्ड इन मेसनरी। विद द पैसेज ऑफ टाइम द मॉइस्चर गेट इवेपोरेटेड लीविंग ग्रे और व्हाइट डिपॉजिट ऑन द वॉल सर्फेस ऑल्सो नोन एज इफ्लोरोसेंस। दिस व्हाइट पैचेस अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। कितनी बढ़िया बात बोली इसने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला। जो ब्रिक्स मेसनरी के अंदर क्या होता है वहाँ पर जो एल्कलीज होती है वो क्या करती है एटमोसफियर एटमोसफियर से मॉइस्चर क्या करती है एब्जॉर्व करती है। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ साथ मॉइस्चर क्या होता है इवेपोरेट हो जाता है समय के साथ साथ और वो पीछे अपने क्या ग्रे और व्हाइट कलर के कुछ कुछ निशान जो है वो छोड़ देता है वॉल के ऊपर वॉल सरफेस के ऊपर कुछ डिपॉजिट रह जाता है उसको हम क्या नाम दिया है इफ्लोरेसेंस। तो याद रखें इफ्लोरेसेंस टर्म क्या होती है ब्रिक मेसनरी के अंदर। दिस व्हाइट पैच अफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। पेबल्स, पेबल्स इन ब्रिक अर्थ क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग मिक्सचर ऑपरेशन ऑफ अर्थ गिव्स द यूनिफॉर्म एंड थ्रू मिक्सचर ऑफ क्ले विच रिजल्ट इन वीक एंड पोरस ब्रिक। ब्रिक्स कंटेनिंग पेबल्स विल नॉट ब्रेक इनटू शेप्स एज रिक्वायरमेंट। देखो किसी भी चीज के अंदर अगर पत्थर आ जाते हैं लेट्स से कोई ब्रिक है लेट्स से ये कोई हमारे पास क्या है भैया लेट्स से कोई ब्रिक है। इस ब्रिक के अंदर अगर मैंने बोला कि इस ब्रिक को मेरे को ऐसे तोड़नी है ठीक है। अब ब्रिक बिल्कुल कोई पत्थर नहीं बीच के अंदर, बीच में छोटे छोटे क्या पत्थर भी नहीं रहने चाहिए जब ब्रिक बना दी जाती है उसमें बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है ठीक है। पेबल्स तो कोई भी चीज पत्थर अगर आती है लेट्स तोड़ना है तो पत्थर टूटेगा तो वो जो ब्रिक्स का जो जहां से पत्थर होगा अंदर वो शेप वहां से बिल्कुल सीधा नहीं आएगा फिर वो बोलता है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शेप कट वो टूटेगा। तो वो चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए तो उसका क्या कर रहा है वो शेप और उसके अंदर ढंग से उसको तोड़ा नहीं जा सकता तो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर, प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन ऑर्गेनिक मैटर इन ब्रिक अर्थ असिस्ट इन बर्निंग बट इफ सच मैटर इज नॉट कम्प्लीटली बर्न द ब्रिक्स बिकम पोरस। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट गैसेज विल बी इवॉल्व ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द कार्बन कार्बनिस मैटर एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पोरस। यहाँ पर क्या होते हैं ब्रिक के अंदर ज्यादा छोटे छोटे खड्डे रह जाते हैं स्मॉल पोर्स। छोटे छोटे अगर क्या है खड्डे या छोटे छोटे स्मॉल एयर गैप्स नहीं रहने चाहिए उन चीजों के लिए क्या है यहाँ पर चीजें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है राइट। सिंपल ब्रिक्स का बता रहेगा ये देखो ये आ गया इफ्लोरेसेंस जो लिखा रहता है इफ्लोरेसेंस वो आ गया इफ्लोरेसेंस। ये देखो ये जो हमारे पास जितने भी ये व्हाइट कलर के पैचेस हैं दिस इज इफ्लोरेसेंस राइट। ये देखो ये चीज
ये है हमारे पास, देखो ये आ गया पत्थर के अंदर, ये पत्थर के अंदर पेबल्स, ये छोटे छोटे जो पत्थर रहते हैं ब्रिक्स के अंदर, ऐसे ऐसे पत्थर नहीं रहने चाहिए ब्रिक्स बनाते समय, ये ब्रिक्स बनाते समय ध्यान नहीं रखा गया था जहाँ पर ब्रिक्स बन रही थी, तो मिक्सचर के अंदर पत्थर भी था वो सर, तो पत्थर अंदर आ जाते हैं, तो फिर ये ब्रिक कहीं तोड़ते हैं या फिर पत्थर के कारण ही ब्रिक्स टूट जाती है। कभी सवाल हो मन में एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको दे दूंगा जो भी मटेरियल वगैरह है, टेंशन नहीं है। राइट ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। मैन्युफैक्चरिंग बता रही, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स फॉलोइंग ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व, चार चीज होती है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले बनाया जाता है, फिर मोल्डिंग ड्राइंग, मोल्डिंग मतलब वो इसके उसमें जो उसका ब्लॉक्स था रेक्टेंगुलर ब्लॉक उसमें रखा जाता है, पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले बना लिया उसको, फिर मोल्ड करा उस ब्लॉक में रखा, फिर उसको सुखा दिया, फिर उसको बर्न कुछ चिमनी में रख दिया। ईच ऑफ द अबव प्रिपरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स विल नॉट बी स्टडिंग एट लेंथ, मतलब हमारे पास इतना ही है सिलेबस के अंदर, ज्यादा हमको इनके इन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं कहा गया, ये सिलेबस में इतना नहीं है, सिंपल हमको इतना याद रखना चीजों का बस, इन्फॉर्मेशन याद रखनी, वन वर्ड टाइप चीजें जो है आती है एग्जाम में। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, क्ले को बनाने के लिए किया गया, क्ले ऑफ ब्रिक्स प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, अनसोलिंग, डेगिंग, क्लीनिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग वगैरह, ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस आ जाते हैं, इतना ज्यादा इसके अंदर कोई जाने वाला नहीं है। नेक्स्ट बात कर ले तो जो है हेडिंग कौन सा, वो है हमारे पास है सीमेंट। अभी तक एडमिट कार्ड आ गया क्या, एडमिट कार्ड भी सब बात कर चुके हैं, इसके अंदर आपको जो अपर पास सिटी सेंटर जो है आपको पता चल गया होगा अब तक, तो कुछ सिटी सेंटर आपके हैं, सिटी सेंटर आपको पता चल गया होगा अब तक, एग्जाम डेट हमको पता चल गई होगी, ठीक है बस तैयारी करते रहो यार, एडमिट कार्ड तो अगर नहीं भी आया होगा तो आ जाएगा, बीआर का बीटेक एडमिट कार्ड आ चुका, बीआर का एडमिट कार्ड जो है जल्दी देखने को मिलेगा। सेम काम सीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ये सब चीज बड़ा सारे यहाँ पर इसमें लिख रखा है, सब कुछ बहुत सारी चीजें लिख रखी है यहाँ पर, चीजें आप देख सकते हैं, यूज लिखे हुए हैं, सीमेंट किस किस तरह की होती है, क्या चीज होती है, किस किस का मिक्सचर है, वो सब यहाँ पर लिखा गया है, कितने टाइप की सीमेंट होती है, यूज वूज सीधा यूज, देखो यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पीआर की डेट 12th of April, पीआर की डेट जो है वो 12th of April है, 12th of April ही आई थिंक, वो सारे स्टूडेंट से कमेंट आए थे मेरे पास। सीमेंट मोर्टर फॉर मेसनरी वर्क, प्लास्टर एंड पॉइंटिंग एक्सेट्रा, सीमेंट मोर्टर किसमें काम आ रहा है, मेसनरी वर्क के लिए काम आ रहा है, प्लास्टिंग प्लास्टर के लिए, पॉइंटिंग के लिए, मेसनरी वर्क सबके लिए काम आ रहा है, क्रिएटिंग फॉर लाइंग फ्लोर्स रूफ्स एंड कंस्ट्रक्शन लिंटल्स बीम वेदर सब शेड्स वगैरह, सीमेंट का काम नहीं आता यार बिना सीमेंट के, तो मतलब ईट और सीमेंट तो बहुत मतलब टू एक मेजर चीजें हैं, सबसे पहले एक ब्रिक्स साथ साथ में क्या उसको जोड़ने का काम कौन सीमेंट कर रहा है, ठीक है, और ये सीमेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती है यहाँ पर, देखते हैं क्या करके चल के। अच्छा एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ कि सीमेंट जो है, सीमेंट जब हम लगाते हैं घर में, देखा होगा आपने सीमेंट, तो जब सीमेंट जैसे ही हम सीमेंट को लगाते हैं, जैसे जो वॉल होती है ब्रिक्स की जो वॉल उसके ऊपर सीमेंट लगाई जाती है, तो हमको बताओगे जब सीमेंट लगाते हैं तो सीमेंट लगाने के बाद उसको हमको क्या करना है, जो मिक्सचर होता है वो एकदम लगाते ही सूखता नहीं या फिर जमता नहीं है, उसको थोड़ा टाइम रहता है, मतलब कि हम लगाते हैं सीमेंट को उसके बाद आपको लगवा दो टाइम मिलता है सीमेंट को सेट करने का, सीमेंट लगाई उसके बाद जो उगती है सेट करने का होता है, उसी का हम सीमेंट को जो है वो कारीगर जो होता है जो वर्कर्स होते हैं वो सीमेंट को आराम से ब्रिक के ऊपर ब्रिक सब जगह सेट करते हैं, आराम से सेट करते हैं उसको पूरा प्लेन करते हैं बिल्कुल चीजों को सेट करके, उसके बाद वो सीमेंट सूखती है, तो जो टाइम है ना सीमेंट को सेट करने का, सीमेंट को लगाने के बाद सीमेंट को बढ़िया से सेट करने का, ये टाइम किस इंग्रेडिएंट की वजह से होता है, मतलब ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट मिलाने से सीमेंट को ये समय मिलता है, अगर वो इंग्रेडिएंट ना मिलाए तो सीमेंट हमको ये जमने का टाइम देगी नहीं, हमको सीमेंट को जमाना पड़ता है उसके लिए टाइम चाहिए होता है, तो टाइम के लिए पर्टिकुलर एक इंग्रेडिएंट डाला जाता है उसके अंदर, वो बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, जब तक सोचें कि कौन सा इंग्रेडिएंट है वो हमको सेटिंग टाइम, सीमेंट की जो टाइम है सेटिंग टाइम वो हमको देता है सीमेंट को सेट करने के लिए, समय देता है वो इंग्रेडिएंट्स मिलाने के, और वो इंग्रेडिएंट ज्यादा नहीं मिलाया जाता, कुछ 2% मात्रा मिलाया जाता है, अप्रॉक्सिमेटली 2% रहता है, 1.5 से 2%, इतनी ही परसेंटेज उसका रहता है पूरे सीमेंट अगर मैं 100 में से बात करूँ उस इंग्रेडिएंट के ऊपर, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही ना हो, हमको सीमेंट को मिलाने का सेट करने का टाइम ही ना मिले। ये सब सीमेंट जब बनती है, जब सीमेंट फैक्ट्रीज आती है पैक होकर, उस समय ये सब इंग्रेडिएंट उसके अंदर मिला हुआ आता है,
तुमको बाद में, ऐसा नहीं कि हमने भी कभी घर के अंदर बनते हुए देखा, पड़े उसमें के इंग्रेडिएंट डालते नहीं, उसमें डायरेक्ट सीमेंट लेते हैं और सैंड लेते हैं और एग्रीगेट वगैरह जो भी क्या है उसको बना के पानी डाल के सभी चीजें मिक्सर बनाकर लगा देते हैं, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट डालते नहीं। वो सब जब फैक्ट्री से बनती है तो उसके अंदर ऑलरेडी ये सब मिक्सचर होकर आता है 2%। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंपोर्टिंग इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर सच एस ब्रिक्स डैम्स टनल लाइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब चीजें होती है। हाईजैक बॉयज, हाईजैकर बॉयज, क्या बात है। मेकिंग जॉइंट फॉर जॉइंट्स पाइप्स, जहां भी हमारे पास जॉइंट्स जो मेरे पाइप जहां से बेंट हो रहे होते हैं, हमारे कोई भी पाइप्स होते हैं क्योंकि तो हमारे इनलेट आउटलेट जो भी हमारे चैम्बर्स होते हैं, पाइप्स वगैरह जो होते हैं पानी वगैरह के सबके सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट के लिए जो पाइप्स होते हैं, उन सभी जो पाइप जहां पर वो साइप बेंट होते हैं वहां पर एक बेंट लगाया जाता है, पता होता आपको एल शेप का, ऐसा एल शेप का क्या पाइप का बेंट लगाया जाता है। तो एल शेप जहां पर होता है वहां पर भी जहां से जुड़ता है वो वहां पर भी क्या सीमेंट को लगाया जाता है ताकि इन फ्यूचर वो सीमेंट वहां से हर चीज मजबूती बनाए रखे। डांस विद परी, हेलो भैया, हेलो सभी को। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रीकास्ट पाइप, ग्रीन सीट्स, एस्थेटिकली डिजाइंड वेन्स, फ्लावर पोस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन, वाटर टाइट फ्लोर्स, फुटपाथ एक्सेट्रा, टाइप ऑफ सीमेंट, सीमेंट की वह टाइप दे रखी, कुछ टाइप ऑफ सीमेंट, मेनी टाइप्स ऑफ सीमेंट आर अवेलेबल इन मार्केट, डिफरेंट कंपोजिशन एंड फॉर यूज इन द डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस, बहुत सारे टाइप की सीमेंट यहाँ पर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, अलग अलग तरह की कंपोजिशन है, अलग अलग तरह की यूज के हिसाब से आती है मार्केट में। लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज सीमेंट डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन, बता रखा है यहाँ पर अलग तरह की सीमेंट्स दे रखी है आपको, सेम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बता रखा है, अलग अलग तरह की सीमेंट आपको यहाँ पर दे रखी है। ये सब नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप इसके अंदर चीजों के साथ साथ पढ़ते हुए चले इन सभी को, सबका परसेंटेज बता रखा है किस में कितने से परसेंटेज के रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर सब चीजें बता रखी है। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट पोर्टलैंड, पोर्टलैंड को भी कितनी जगह बांट दिया गया यहाँ पर, सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, राइट, सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट को भी यहाँ पर वही चीज आ गई है। पोजोलैनिक सीमेंट, इसके अंदर बता रहा है कितना कितना का कंपोजिशन वगैरह होता है, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, चाहो तो आप चीजों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। माई आर टी हार्ट, गुड इवनिंग भैया सभी को, गुड इवनिंग। अच्छा सबको पता है ना, हमारे अभी 4 से 5 एक क्लास है, उसके बाद वापस एक क्लास है 6 to 7 जो कि हमारा सेम वापस लाइव सेशन होने वाला है, जिसके अंदर अपन दूसरा टॉपिक लेंगे जो कि हमारे पास है कलर थ्योरी। ठीक है, ये नोट्स वगैरह आपको शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, दिक्कत नहीं है। अमाउंट ऑफ कलरिंग मटेरियल में भी वेराई फ्रॉम 5 to 10%, कलरिंग मटेरियल 5 to 10% वेराई करता है। इफ दिस परसेंटेज एग्जिस्ट 10% ज्यादा एक्सीड होने से क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज अफेक्टेड, सीमेंट की स्ट्रेंथ के यहाँ पर इफेक्ट हो जाती है। आयरन ऑक्साइड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन गिव ब्राउन, आयरन ऑक्साइड अगर डिफरेंट अलग अलग प्रोपोर्शन में आयरन ऑक्साइड का प्रोपोर्शन वेराई करने से क्या होगा, ब्राउन रेड और येलो कलर को येलो कलर के ब्रिक में डाला जा सकता है, लाया जा सकता है। द कलर्ड सीमेंट आर वाइडली यूज्ड फॉर वैनिशिंग ऑफ फ्लोर विंडोज सिल लैब्स स्टेयर ट्रेड्स एक्सेट्रा। एक्सपेंसिव सीमेंट, ये सीमेंट तो बहुत ज्यादा नाम से एक्सपेंसिव है, राइट। दिस टाइप ऑफ सीमेंट प्रोड्यूस बाय एडिंग एंड एक्सपेंडिंग मीडियम लाइक्स अक्सर लोग चीजें देर की एक्सपेंडिंग सीमेंट वगैरह का, हाई एल्यूमिना सीमेंट बता रखा है। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर, सीमेंट क्लिंकर ध्यान रखना, पता है क्या होता है सीमेंट क्लिंकर बता दूं आपको, कि जब सीमेंट बनाई जाती है ना, हम तो हमको पता है कि सीमेंट बहुत ज्यादा बारीक होती है, कितना ज्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में होती है सीमेंट, ठीक है, कितनी ज्यादा पाउडर फॉर्म के अंदर सीमेंट होती है, पर जो सीमेंट हमको पाउडर फॉर्म में दिखती है एक्चुअली में बनाई बनती सीधी पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये पहले छोटी छोटी इसके बॉल्स बनाई जाती है, बॉल्स सीमेंट की छोटी छोटी बॉल्स पहले प्रिपेरेशन की जाती है, उसके बाद बॉल को जो है मशीन में डालकर बिल्कुल पीसा जाता है, बिल्कुल जो हमारे पास क्या है बिल्कुल एकदम बारीक बारीक पीस दिया जाता है। जैसे हमको पता होगा हमने घरों के अंदर जब हम आटा खा रहे हैं तो जो पहले आटा, इससे पहले क्या वो चीज गेहूं होता है, ठीक है, वो गेहूं को हम लोग भर के ले जाते हैं दुकान वाले के पास, शॉप वाले के पास, और वो जाकर उसको बोलते हैं भी हमको इसका आटा करके दे दे, तो पीस कर मशीन डालकर उसका आटा करके हमको दे देता है, राइट। तो सेम यहाँ पर क्या होता है, ये बॉल को पीसा जाता है, इस बॉल्स को क्या कहते हैं, क्लिंकर्स कहते हैं, सीमेंट क्लिंकर्स इनको कहते हैं। तो प्रिपरेशन का प्रोसीजर एक तरह का। मैं आई टी एड एमएससी बड़ौदा में एडमिशन के लिए नाटा में कितने मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, एमएससी बड़ौदा यार गुजरात में सबसे बढ़िया बोल सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज है एमएससी बड़ौदा, नाटक के अंदर अप्रोक्सीमेटली गुजरात के अंदर कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, बच्चे भी बहुत सारे यहाँ पर है गुजरात के अंदर, अच्छा खासा चीज है। तो नाटक के अंदर मेनली अगर बात करूँ तो आपको अप्रोक्सीमेटली 165 से लेकर 170 तक तो स्कोर करना ही पड़ेगा, एक मोटा मोटा एवरेज मान के चलो तो 165 to 170 अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर ही एडमिशन लेना है तो इसमें मतलब प्लस प्लस ही मान के चलना, इससे ज्यादा मान के चलना, इससे कम मत मानना, अप्रोक्सीमेटली 165 तो मिनिमम मतलब है ही, इतना चाहिए होता है।
और लेकिन मैं बोलता हूँ कि टारगेट लेकर चलो, जो भी टारगेट जिस भी कॉलेज के जो कट ऑफ होती है उससे 10 मार्क्स ज्यादा टारगेट लेकर चले, 180 का टारगेट लेकर चलो, तो अप्रोक्सीमेटली ये आराम से अचीव हो जाएगा, उसकी बड़ी बात नहीं। हो सकता है 180 अचीव हो जाए, बहुत बढ़िया है। सीमेंट क्लिंकर की अलग चीज बता रही है यहाँ पर, ट्राई कैल्शियम सेलाइट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, आप चाहो तो चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लगे हाथ। ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट, टेट्रा कैल्शियम इंडोफेरेट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास वो क्या है, कंक्रीट के बारे में बताया गया है, चीज़ों का साथ साथ में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ये तो PDF अगर आपको मिल जाएगी। कंक्रीट के बारे में बता रहेगा क्या क्या उसकी प्रोडक्शन हमारे पास है, उसके बारे में ये चीजें समझा रही है यहाँ पर। बैचिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेजरिंग कंक्रीट मिक्स इंग्रीडियंट्स इधर बाय वॉल्यूम और बाय मास एंड इंट्रोड्यूसिंग देम इनटू द मिक्सचर इज नोन एज बैचिंग। ट्रेडिशनली बैचिंग इज डन बाय द वॉल्यूम, बट मोस्ट स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड दैट बैचिंग इज डन बाय द मास रादर देन वॉल्यूम। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रीडियंट्स आर डिटरमाइंड बाय प्रॉपर मिक्स डिजाइन। राइट PDF को मैं यार मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। एक्चुअली क्या है कि ये सब मेरे हाथ में, मुझे आगे बात करनी पड़ेगी और बात करके मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको PDF का लिंक डलवाता हूँ। पहली वाली जो कल वाली थी फेमस बिल्डिंग की, वाली PDF भी डलवानी है, और आपको ये वाली जो PDF जो आज की, ये वाली PDF भी हमको डलवानी है, तो दोनों PDF डलवाते हैं। सीमेंट कंटेंट है, सीमेंट कंटेंट इंक्रीज और डज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी वगैरह, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको दे रखी, सब चीज़ आप पढ़ लो यार। 51 पेजेस अभी तो 9:10 में बैठे, आधा घंटा हो चुका है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग, चलना पड़ेगा। यह सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, उसके बाद आप नीचे आओगे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज़ के आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज भी दे रखी है, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ डाल रही है यहाँ पर। देखो वर्केबिलिटी आ गई यहाँ पर, कटर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, हाउ टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, आर्चेज आ गई, आर्चेज आर्चेस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सेम चीज़ आपके लिए नाटक के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि हमारे पास क्या है, ये सब चीज़ें जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। राइट आर्ट्स यहाँ पर हो जाते हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें मैंने डाली इसके अंदर, बहुत सारी डाली, मतलब ऐसा लगा आउट ऑफ सिलेबस भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, मतलब हर चीज को डिटेल में आप एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। आर्ट्स के बहुत सारे टाइप को एक्सप्लेन किया है, फ्लैट आर्ट्स क्या होते हैं, कितने टाइप की आर्चेस हैं, क्लासिफिकेशन डिस्कस किया हर एक के यहाँ पर, ब्रिक आर्क, आर्क भी कितने तरीके से बनता है, ब्रिक कैसे बनता है, जो कौन से मटेरियल जो होते हैं वो जो काम में ली जा रही है, राइट, ऐसा कई चीज़ें बहुत सारी यहाँ पर होती है। कैविटी वॉल भी इम्पोर्टेंट है यार, कैविटी वॉल, कैविटी वॉल। आर्या कह रहे हैं एमिनिटी जयपुर के लिए कितने, एमिनिटी जयपुर की जब बात करते हैं देखो तो यार आर्या क्या है कि MNIT जयपुर के लिए आपको ओनली जो है JEE पेपर 2 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आपको नाटा नहीं चाहिए, जितनी भी NITs है SPA कॉलेजेस है ओनली JEE से एडमिशन होता है वहाँ पर। कैविटी वॉल बात करते हैं, यस नंदनी कमेंट आ गया, सबके सबके एग्जाम 12th अप्रैल को ही है, सभी का एग्जाम 12th, सभी को 12th अप्रैल को ही डेट मिली है, सभी का एग्जाम 12th अप्रैल को ही है। कैविटी वॉल के बारे में बताया गया, कैविटी वॉल होलो वॉल्स विच इज कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट वॉल्स कॉल्ड लीडर और स्किन। देखो लीडर स्किन कहा जाता है, कैविटी गैप इन बिटवीन देम, दोनों बीच कैविटी बनाई जाती है, एक वॉल को लीडर एक वॉल को स्किन कहा जाता है। टू लीव्स ऑफ कैविटी वॉल मे बी इक्वल थिकनेस एंड इट्स नॉन लॉड बियरिंग वॉल, इंटरनल लीफ मे बी थिकर देन द एक्सटर्नल लीफ टू मीट द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। अंदर वाली वॉल डेफिनेटली बात है, थोड़ी सी जो भी मेरे स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रही है, चाहे वो 9 इंच वॉल है या 12 इंच वॉल है, उस हिसाब से जो उसकी थिकनेस उस बराबर होगी, पर लेकिन बाहर वाली वॉल जो है वो बली जो है थिन पतली हो सकती है, वो कोई बड़ी बात नहीं, राइट। बाकी इनके बीच हमारे पास क्या होगा, गैप रहता है इन दोनों वॉल के बीच में, ये बस वॉल है और इसके बीच में हमारे क्या जो है हमारे पर गैप रहता है। थर्मल इंसुलेशन बे सबसे मेन तो यही होता है, सबसे मेन जो पर्पज है वो करने का क्या है, थर्मल इंसुलेशन।
प्रिवेंट डैम्पनेस टू एंटर एंड एक्सेस, साउंड इंसुलेशन काम करी, डैम्पनेस इनर एंड आउटर स्किन शुड नॉट बी लेस देन 10 सेंटीमीटर ईच हाफ ब्रिक। एडवांटेजेस यहाँ पर दे रखे हैं, 25% ग्रेटर इंसुलेशन इंसुलेटिंग वैल्यू देन सॉलिड वॉल, कैविटी वॉल की देखो कितने 25% ज़्यादा सॉलिड वॉल से ज़्यादा उसकी इंसुलेटिंग वैल्यू है। कैविटी वॉल ऑल्सो ऑफर गुड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड, चीप एंड इकोनॉमिकल है, लोड्स फाउंडेशन आर रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फ्यूजन सॉलिड, जनरल फीचर ऑफ कैविटी वॉल्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेयर, अच्छा सा टॉपिक है स्टेयर्स। स्टेयर वगैरह भी चीजें वहां बहुत सारी दे रखी है। स्टेयर के अंदर हमारे पास राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, वो सब चीजें यहाँ पर बता रखी है आपको। टेक्निकल टर्म दे रखी है, देखो ये बहुत सी यहाँ पर चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसका तो मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना कि टेक्निकल टर्म्स होती हुई चीजें बहुत सारी यहाँ पर। स्टेयर के अंदर क्या, किसको क्या बोलते हैं, बेलिस्टर क्या होता है, बेलिस्ट्रेड क्या होता है, स्ट्रिन क्या होता है, फ्लाइट क्या होता है, गोइंग हैंड्रिल, हेडरूम क्या होता है, लैंडिंग, नेवल पोस्ट, नोजिंग क्या होता है, लाइन ऑफ नोजिंग कौन सी होती है, राइट, पिच क्या होता है, राइज राइजर, ट्रेड क्या होता है, ऐसी चीजें बहुत सारी यहाँ पर आई थी। ठीक है, रन क्या होता है, स्कूटिया, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं। स्टेप हमारे पास के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड एंड राइजर, एक पूरी स्टेप जो ट्रेड और राइजर का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स होती है, कॉम्बोड स्टेप्स, डांसिंग स्टेप, फ्लायर, राउंड एंडेड स्टेप, स्प्रेड, वाइंडर, ट्रेड, वेस्ट कैरिज, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर केस, गुड स्टेयर केस को एक अच्छी स्टेयर केस की क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज यहाँ पर दे रही, क्या क्या चीजों को चीज है उसमें होनी चाहिए, कितनी कितनी स्टैंडर्ड चीजें बता रही है यहाँ पर आपको, वो सब चीज यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। ट्रेड मिनियम की कितनी होगी, कितने इंच पे होगा, कितना सेंटीमीटर में होगा, वो सब चीजें बता रही है यहाँ पर। स्टेयर की विड्थ वगैरह वो सब चीजें हम एक्सप्लेन कर रखी है आपको। स्पाइरल ज्योमेट्रिक कर्व्ड स्टेयर, बाइफरकेटेड स्टेयर, यहाँ हर एक चीज को स्टेयर के बारे में हर एक चीज की एक आपको रेंज बता रखी है, सर्कुलर स्टेयर वगैरह सब चीजों की, हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल के हिसाब से चीजों को क्या क्लासिफाई कर रखा है आपको। सक्षम कह रहे 2024 एस्पिरेंट को कैसे प्रिपेयर कर जा रहे हैं, देखो सक्षम 24 एक्सपीरियंस के लिए बहुत कुछ चीजें आने वाले समय के अंदर आपको मिलेगी, टेंशन नहीं है। अभी तो आप चाहें तो बिल्कुल जो भी चीजें अभी चल रही है साथ साथ में इन सबको पढ़ते रहे ऐसे ही एक बार के लिए, और जो जो बुक्स हमारे पास है, वीडियोस वगैरह है, बुक्स की अवेलेबल है, सब चीज देखें, फिर वहां से एक बार जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। फिर अभी जो भी है एक साथ जहाँ से मिल रहा है उसको देखते रहे, पढ़ते रहे, फिर पहले क्या होता है सिलेबस को समझे, सबसे पहले हमको ये बताना कि सिलेबस क्या है हमारे पास, सिलेबस को पूरा समझना जरूरी है। सिलेबस के अंदर वेटेज देखें, हर चीज के ऊपर आप वीडियो सर्च करोगे आपको मिल जाएगी चीजें अवेलेबल है सारी। जनरल मेटल यूजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर, वुडन स्टोन ब्रिक मेटल स्टील प्लेन कंक्रीट आरसीसी वगैरह सब चीजें स्टेयर में काम आती है। मोस्ट टाइप्स ऑफ स्टेयर बता रही है, आरसीसी स्टेयर हर चीज बता रही है यहाँ पर आपको। प्लास्टरिंग के बारे में बता रखा है भैया, जो हम सेम प्लास्टर करते हैं, प्लास्टरिंग हम चीज एक्सप्लेन कर रखी है। ऑब्जेक्टिव प्लास्टरिंग रिक्वायरमेंट अगर आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखा है, मेथड ऑफ प्लास्टरिंग, ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डोर एंड विंडोज, टाइप्स ऑफ डोर, विंडोज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कृपया याद रखें, और हर एक चीज याद रखें कि विंडोज अभी नीचे आएगा डोर, और जो हमारे पास विंडोज वगैरह है, हमारे पास जो डोर है और जो विंडोज है, डोर और विंडोज के अंदर जो ऊपर की तरफ जो कांच होते हैं, ऊपर की तरफ जो खिड़कियां होती है, ठीक है, यहाँ पे की तरफ जो एक खिड़की वगैरह ये कांच लगे होते हैं, इन सब कांच को क्या कहा जाता है, इन कांच की और ये बाहर आउटर लाइन के और जो ये मिरर है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होती है नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं गेट को और मिरर विंडो के, नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं अलग अलग हिस्सों के।
अभी तक इतनी ज्यादा तो सेल्फ गाइड के अंदर भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से जो है अधिकतर चीजें इंक्लूड जितनी भी है चीजें यहाँ पर कर रखी है ये सब पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ डिटेल के अंदर मिल जाएगा आपको। अरियंत वगैरह के अंदर बहुत कम चीजें इधर की, मैंने जितनी भी चीजें हो सकती है इसमें पुट करे आपको डाल रखी है। कैसमेंट विंडो वगैरह क्या होती है, ओपन लाइक डोर्स एंड ऑल सिमिलर टू डोर कंस्ट्रक्शन वुड, कैसमेंट विंडो शटर वगैरह क्या होती है, फ्रेम वॉल ये सब चीज़ आपको यहाँ दे रखी है, एक डायग्राम दे रखे सेक्शन वगैरह दे रखे इसमें, स्लाइडिंग विंडो कौन सी होती है देखो, स्लाइडिंग डोर के बारे में चीज़ें यहाँ पर बता रखी है आपको राइट, मेटल विंडो के बारे में बता रखा है ये देखो मेटल विंडोज यहाँ पर आ जाती है। परसेंटेज से अगर आप अमेनिटी भोपाल जोसा होम स्टेट होम स्टेट्स के अंदर से हो तो आपको 96 के अंदर चांस हो सकते हैं अमेनिटी भोपाल के, अगर आप जनरल के अंदर हो थोड़ा सा 50-50 चांस है जनरल के अंदर, बाकी अगर ओबीसी एससी स्टेट हो पॉसिबल थोड़े चांस हो सकते हैं, क्या डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, ये देखेंगे एग्जाम के बाद कितने नंबर स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, पर यस अगर आप होम स्टेट से हो तो जरूर चांस है। मेटल विंडोज यहाँ पर आ जाती है ये देखो, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए हमको क्या चीज़ है किसको क्या कहा जाता है, ये सब चीज़ें ये ऊपर की तरफ जो हमारे पास जो वो पत्थर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं लिंटल्स, गेट और खिड़की पे जो ऊपर पत्थर लगा होता है डोर विंडो के ऊपर लिंटल्स ठीक है ना, ये हैंडल हमारे पास हो गया, स्क्रू वगैरह बता रखे देखो, ये वुडन फ्रेम हमारे पास यहाँ पर इसको क्या कहते हैं इसको हिंज कहते हैं, ये लगा है जो चीज़ें ये देखो हिंज, ये मेटल विंडोज है राइट। आगे बढ़ते हैं कॉर्नर विंडो गैबल विंडो, गैबल विंडो कौन सी होती है देखो, एक तो ये हमारे पास ये स्लोपिंग रूफ, ये स्लोपिंग रूफ होती है स्लोप रूफ, स्लोप रूफ से ऊपर जो विंडो लगी होती है स्लोपिंग रूफ के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारी है ऐसी जहाँ पर ये झोपड़ी से स्लोप के अंदर लगी होती है विंडोज जो कि हवा के लिए वेंटिलेशन के लिए लगाई जाती है, इसको नॉर्मल विंडो कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये अधिकतर क्वेश्चन पता है ये सब जो क्वेश्चन है मेनली चीज ऐसे वाले क्वेश्चन वन वर्ड की नॉर्मल विंडो वगैरह ये सब चीज़ें ना गेट के अंदर पूछी जाती है गेट एग्जाम, इन फ्यूचर आप कॉलेज में जाओगे आप लोग थर्ड ईयर से फिर गेट एग्जाम देने लग जाओगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर 3 साल दे सकते हैं गेट एग्जाम, थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं फोर्थ में भी दे सकते हैं फिफ्थ में भी दे सकते हैं, अब जाओगे थर्ड ईयर में गेट एग्जाम दोगे फोर्थ में भी दोगे फिफ्थ में भी दोगे तो बहुत सारी चीज़ जो आने वाले समय में सीखोगे राइट, उससे जब भी तैयार हो। गेबल विंडो लगा रखी है यहाँ पर तो गेबल विंडो हो गया, ये सब चीज़ वहाँ पर भी आएगी ठीक है, बे विंडोज को कहते हैं हमारे पास ये चीज़ होगी राइट, लैंटर्न हमारे पास हो गया लैंटर्न लाइट्स को कहते हैं फ्लैट रूफ के ऊपर, स्काईलाइट्स वगैरह हो गया ये देखो स्काईलाइट्स के बारे में चीज़ यहाँ पर डिटेल बता रखा है, टाइप ऑफ डोर्स हमारे पास हो गए डोर कौन कौन से होते हैं, पैनल डोर हो गया पैनल डोर देखो पैनल डोर के बारे में हर एक का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है यहाँ पर पैनल डोर के ऊपर, इसको कहते हैं डोर के अंदर हर चीज डिटेल में आपको बता रखी है ठीक है। हमारे पास ये टॉप रेल हमारे पास है सब टेनन ग्लेजिंग है, ग्लास पैनल आ गया, मिड रेल लॉक रेल ये सब चीज आ गई, मिड रेल हमारे पास आ गया टू सब टेनन रेज पैनल डबल टेंशन बॉटम रेल मिड रेल अपर रेल ये सब चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है जो कि आती है राइट। प्लैंक एंड बैटन डोर्स यहाँ पर देखो बैटन डोर आ जाता है, अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं है लिंक मैं आपको दे दूंगा बहुत जल्दी प्रोवाइड, कहीं ना कहीं आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी, कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है ना, आज या कल के अंदर ये दोनों पीडीएफ जो फेमस बिल्डिंग वाली पीडीएफ थी और ये पीडीएफ दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, साथ साथ में आपको जो सेल्फ गाइड की बुक वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेग्ड एंड ब्रेस्ट डोर्स उसको कहा जाता है वो सब चीज़ यहाँ पर आ जाती है राइट, ये देखो आ गया, तो ये सब चीज़ें हमको याद होनी चाहिए यार ठीक है ना, हर एक चीज़ का भी हैड वो लिखा गया हेड, ये फ्रेम हो गया ठीक है, ये टॉप लेच यहाँ पर ही आ गया, पेड लॉक बॉटम लेच ये सब चीजें, फ्रेम्ड एंड फिल्ड डोर्स, फ्रेम्ड एंड फिल्ड डोर्स के अंदर ये सब चीजें, ज्यादा इतने ज्यादा ज्यादा पीछे वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्लश डोर अगर आप ये इतने सारे ज्यादा डोर इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन अगर गेस हम याद कर सके चीजों को लेमिनेटेड फ्लश डोर, अच्छा एक तरह का मोटा मोटा देखना भी याद हो सकता है पिक्चर एग्जाम के अंदर, लेट्स आपको कोई इमेज दे दी लेट्स आपको ये बड़ी सारी इमेज आपको दे दी है कुछ आपको मैच द फॉलोइंग, लेट्स से कोई क्वेश्चन है हमारे पास जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको बहुत सारी क्या करें पिक्चर पिक्चर ऐसे आपको पिक्चर ही पिक्चर पिक्चर ही पिक्चर प्रोवाइड कर रखी है, उसके साथ साथ में आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी करके, तो आपको क्या करना है चीज़ों को मैच करनी है, चीज़ें हमको पता होनी चाहिए राइट, वो चलिए एक्चुअली में दिखती कैसे लोअर डोर्स
ये देखो लोअर डोर से हमें बताया गया सब चीज़। लोअर लोअर्स विंडो दिखा, हम लोअर्स को उसको कहते हैं, तो ध्यान रखें लोअर्स से। हमें देखा होगा आपने विंडोज के अंदर कितनी बार देखा होगा, विंडोज और डोर के अंदर ऐसा वाले जो आपने ये सब, ये आपने देखा होगा ट्रेन, जो ट्रेन के अंदर चले गए होते हैं, ट्रेन के भी गेट्स से, और ट्रेन की जो टॉयलेट्स की विंडो होती है, या फिर घर के अंदर भी देखा होंगे आपने बहुत सारे, हमें जो बाहर की जो हमारे पास ऊपर विंडो होती है जहाँ से मैक्सिमम हवा आती है, हम लोग अधिकतर लोग क्या वहाँ पर लोअर्स रखा थे बाहर, लोअर्स इनको लोअर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हवा का जो है अच्छा खासा यहाँ पर रोशनी में, रोशनी है तो बहुत ज़्यादा धूप आ रही हो तो धूप को रोकते हैं और हवा को अंदर एंट्री देते हैं, ये लोअर्स कहते हैं, तुमको थोड़ा याद होनी चाहिए। ये वाली जो पीडीएफ है, एक तो आपके पास गाइड सेल्फ गाइड की वाली पीडीएफ अलग है, और मैं जो दे रहा हूँ वो वाली पीडीएफ भी अलग है, राइट। सेल्फ गाइड पीडीएफ भी अलग है और एक ये वाली पीडीएफ भी अलग है, ये आपको आने वाले समय के अंदर मिल जाएगी, मैं डाल दूंगा आपको चैनल के ऊपर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने, ये वाली खुद मैंने जो है पूरी जो रिसर्च करके चीज़ों को मिलाकर ये पीडीएफ बना रखी, 51 पेजेस की पीडीएफ, दिखा होगा 51 पेजेस, ये 51 पेजेस की ये वाली पीडीएफ अलग है, और एक जो आपके सेल्फ गाइड से पढ़ते हो वो तो आप पढ़ ही रहे हो, ऐसे जी है बहुत सारी। कोलेप्सिबल स्टील डोर ये आ गया, स्टील डोर वगैरह ये सब चीज़ दिख रही है, देखो रिवॉल्विंग डोर, ये रिवॉल्विंग डोर आपने देखा होगा कहाँ पर होते हैं, ये रिवॉल्विंग डोर पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं, पिक्चरों के अंदर आपने देखा होगा, कोई भी पुलिस वाले जब भी कोई भी अपने रूम में एंट्री मारते हैं तो डोर जो होते हैं ना, जो क्या यहाँ पर ऐसे दो लाइन के ऐसे दो डोर लगे होते हैं ऐसा करके, वो दोनों डोर इतने हवा में होते हैं बस, दोनों डोर आपने देखा होगा, ये रिवॉल्विंग डोर नहीं होते, वो वाले रिवॉल्विंग नहीं होते, ये रिवॉल्विंग के तो गार्डन में लगे होते, सॉरी ये जो गार्डन आपने देखा होगा गार्डन, तो गार्डन के अंदर लगे होते हैं ये वाले डोर, इसके अंदर हम यहाँ से जाते हैं, फिर वो एक जना यहाँ से आता है दूसरा यहाँ से आता है, एक दूसरे के फंस जाते हैं और फिर उसको उसके निकलने का वेट करते हैं, तो वो गार्डन के अंदर आता है ये रिवॉल्विंग डोर। ठीक है, ये पुलिस स्टेशन के अंदर जो होते हैं डोर, जो ये अलग होते हैं, ये सिंपल हम जैसे इसको खोलते हैं और जल्दी से वापस अपने आप बंद हो जाते हैं डोर। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल डोर है। ग्लेजिंग, टाइप्स ऑफ ग्लेस, सोडा लाइम ग्लेस, ग्लास, ग्लास भी अलग अलग तरह का टाइप है, सोडा लाइम का, पोटेश लाइम, पोटेश लीड, कॉमन ग्लास, ये सब चीज़ यहाँ पर आती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टोन, स्टोन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी है, स्टोन को भी, स्टोन भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स टाइप्स ऑफ स्टोन यहाँ पर आ जाते हैं, अलग अलग चीज़ें आती है। क्वेरिंग विथ हैंड टूल, मेथड ऑफ क्वेरिंग, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, स्ट्रक्चर पॉइंट, बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चाहिए, भरी पड़ी, कॉमनली यूज स्टोन इन इंडिया, मार्बल वगैरह आ जाता है, मार्बल सैंड स्टोन। अच्छा, अपने ये चीज़ आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, कॉमनली यूज स्टोन हमारे पास होते हैं, पहला क्या हमारे पास चीज़ें जो है मार्बल आ जाती है, ये कॉमनली यूज स्टोन से मार्बल आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, सैंड स्टोन आ गया, प्लेट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, ठीक फाउंडेशन के बारे में अगर थोड़ा चाहें तो जरूर थोड़ा सा पढ़ें, फाउंडेशन भी इम्पोर्टेंट है यार, फाउंडेशन क्या होता है, साथ साथ के अंदर बस क्या है, फुटिंग क्या होता है, ये सब चीज़ याद रखें। ओपन फाउंडेशन, फाउंडेशन के अलग अलग तरह के टाइप होते हैं, ये देखो वॉल फुटिंग, वॉल ओवर फुटिंग, टाइप्स ऑफ फुटिंग, ऑफसेट फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, न्यूट्रल फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग, कैंटिलीवर, गैरेज, वॉल फुटिंग वगैरह, ये सब चीज़ बारे में थोड़ा थोड़ा जो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, ये सब चीज़ होती है। रॉट फाउंडेशन, रॉट फाउंडेशन से क्वेश्चन आया हुआ था, एक दो बार आया था, रॉट फाउंडेशन क्या होता है, डी फाउंडेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ डी फाउंडेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पाइल्स, पाइल फाउंडेशन। इसी के साथ ये वाली पीडीएफ को हम करते हैं खत्म, और साथ साथ में आप लोग देख लेते हैं ये वाली पीडीएफ जो ऑलरेडी, ये सिंपल ये है सेल्फ गाइड वाली पीडीएफ जो आप बोल रहे थे, ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ कहाँ से है, ये पीडीएफ जो भैया कौन सी है, सेल्फ गाइड वाली पीडीएफ है, तो दोनों पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। इसके अंदर सेम आप ये ग्लास के बारे में लिखा, कंपोनेंट ऑफ ग्लास, ग्लास से कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो यहाँ पर मेंशन की है आपके साथ साथ के अंदर। वुडन के बारे में बता रखा है, टिम्बर ट्रीज ऑफ इंडिया, ये अच्छी यहाँ पर दे रखी है आपको, राइट। ब्रिक्स के बारे में आपको चीज़ें शेयर कर रही है, ब्रिक्स के बारे में जो भी ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दूसरा के अंदर डिटेल में, वो ब्रिक्स में कॉन्स्टिट्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, सी
सीमेंट रहती है। अच्छा सीमेंट से याद आया कि एक क्वेश्चन अभी जो अपने डिस्कस किया था कि कौन सी ऐसी चीज है सीमेंट के अंदर मिलाई जाती है, कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कि सीमेंट के अंदर मिलाया जाता है, और उसको मिलाने से क्या होता है, सीमेंट हमको टाइम देती है, सीमेंट हमको टाइम देती है सीमेंट को सेट करने का, क्योंकि कोई भी मेजनरी वॉल होती है उसके ऊपर जब सीमेंट लगाई जाती है तो वहां पे क्या मिलता है हमको, थोड़ी सी एक समय मिलता है सीमेंट को क्या करना है, सेट करने का समय मिलता है, को लगाने का प्लेन करने का समय मिलता है। आपने वर्कर को देखा होगा तो सीमेंट को लगाकर उसको प्लेन करता है तो टाइम मिलता है, वो तो टाइम उस इंग्रेडिएंट को डालने की वजह से मिलता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2% मिलाया जाता है। वो कहते हैं क्या, जिप्सम, आपने सुना नाम, JYP SUM, JYP SUM, जिप्सम। ये जिप्सम क्या है, मिलाया जाता है किसके अंदर, उसके अंदर मिलाया जाता है सीमेंट के अंदर, अप्रोक्सीमेटली 2.5% के अंदर रेशियो मिलाया जाता है टू डिले द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का जो सेटिंग टाइम उसको डिले करने के लिए, ताकि हमको टाइम मिले सीमेंट को सेट करने के लिए, नहीं तो सीमेंट लगाती ही जम जाती है अगर वो इस अगर इसको हम इस वाले इंग्रेडिएंट्स को ना मिलाएं तो। ये जो फैक्ट्री से सीमेंट पैक हुआ तब ऑलरेडी ये जो है इंग्रेडिएंट्स डला आता है जिप्सम उसके अंदर, तो क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो चीजों को याद रखें। राइट, सीमेंट कंपोजिशन ऑलरेडी इसमें आ ही चुका था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट अग्रह सब चीज, मेटल एलॉयज, अच्छा मेटल एलॉयज भी याद रखें, पेंट टाइप्स ऑफ पेंट भी याद रखें, ठीक है ना, पिगमेंट बाइंडिंग्स को कहते हैं, पिगमेंट किसको कहते हैं, थ्री मेन कंपोनेंट्स पेंट के, पिगमेंट बाइंडर सॉल्वेंट, टाइप ऑफ फिनिशेस देखो, टाइप ऑफ पेंट्स, टाइप ऑफ फिनिशेस, थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो नॉलेज आपको यहाँ शेयर हो जाता है। राइट, तो इसी के साथ ये था हमारा क्या मटेरियल इसका बिल्डिंग इसके बारे में। राइट, ये सविता कह रही केमिस्ट्री वाला है, बिल्कुल सविता, ये जो केमिस्ट्री के अंदर जो हम पढ़ते हैं जिप्सम, जिप्सम, तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ मेरे को, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Ca या Cu, CuSO4 डॉट, आई थिंक CuSO4 डॉट H2O ऐसा कुछ होता है, CuSO4 डॉट H2O ये होता है जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला। इसमें देखो इतने हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी होता है, इसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जिसमें होता है आई थिंक, ठीक है, तो बनाया किस जाता है इसके अंदर, ओनली क्या सल्फेट जो है हमारे पास, सल्फेट है, सल्फेट के अंदर जो है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाला जाता है, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है, CuSO4 + 2H2O, इसमें क्या होता है हमारे पास जो है CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल तो लग जाता है, बाकी बचा हुआ 1.5 मॉलिक्यूल अलग से पानी बाहर हो जाता है। राइट, ऐसा वैसा कुछ इसकी इक्वेशन होती है, ये सब पढ़ी थी अपने क्लास 9, 10, 11, 12 के अंदर। राइट, तो लास्ट के 10 मिनट है, कोई जो भी सवाल हो, जो भी क्वेश्चन हो मन के अंदर जरूर बोल बता सकते हैं, पूछ सकते हैं अपन रिलेटेड एग्जाम की कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और ये तो मैं क्वेश्चन लगाया था आपसे पूछता रहता हूँ। कोई भी अप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही हो, रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, जरूर बताएं। सर नाटा में कौन सा अटेम्प्ट हार्ड आता है, अर्चना कह रही है नाटा में कौन सा अटेम्प्ट हार्ड आता है, देखो यार ऐसा कुछ नहीं है कि नाटा में कौन सा अटेम्प्ट हार्ड है कौन सा ईजी है, नाटा के सब अटेम्प्ट बल्ले जो लेवल है बराबर ही रहता है, कुल लगे 3 अटेम्प्ट होते हैं नाटा के, 1, 2, 3, आप चाहो वो वाला अटेम्प्ट दो, फर्स्ट वाला दो, सेकंड वाला अटेम्प्ट दो, नंबर थर्ड वाला अटेम्प्ट दो। हार्ड तो ऐसा है कि मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कुछ कहीं कहीं हार्ड आ जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन यहाँ आपको ऐसा अजीब से मिल जाएंगे, दो तीन क्वेश्चन आपको इसमें अजीब से मिल जाएंगे, दो तीन क्वेश्चन इसके अंदर अजीब से मिल जाते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे क्वेश्चन इधर से उधर, इधर से उधर हो जाते हैं क्वेश्चन अजीब अजीब से होकर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, एक बार अपने बात कर ली, पहले तो हमारे पास था ब्रिक्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैंने बात कर ली थी कौन सा जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट आया था सीमेंट के बारे में बोला था, टाइप्स ऑफ सीमेंट याद रखें कि सीमेंट जितनी भी होती है, पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है, सल्फेट, ये अलग टाइप की जो सीमेंट्स है, इनके मिक्सचर से याद रखें, कंपोजिशन याद रखें ब्रिक्स और सीमेंट का, कंपोजिशन याद रखें मेन चीज याद रखें, के बाद ब्रिक्स के बाद
सीमेंट हो गया, सीमेंट की बात याद रखें, अभी जो था एक क्या था, स्टोन्स, स्टोन भी याद रखना है हमारे को, राइट। नेक्स्ट बात करें पेंट्स, पेंट्स के अंदर याद रखें वेनिशेज वगैरह, वो सब चीज़ याद रखना है, टाइप ऑफ पेंट वगैरह याद रखें, ऐसी चीज़ें। दिवांश कह रहे भैया मेरे को ओनली सिर्फ नाटक का सेकंड अटेम्प्ट देना है, तो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप, आपके ऊपर है, आप नाटक का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट दे सकते हो, सेकंड वाला अटेम्प्ट दे सकते हो, थर्ड वाला अटेम्प्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको रजिस्ट्रेशन करने का एग्जाम फर्स्ट, अगर आपको सेकंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो फर्स्ट एग्जाम एग्जाम होने के बाद आपको सेकंड वाले रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बाद में भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो एग्जाम से पहले, इसकी भी मतलब अभी चलेगी, अभी भी आप अप्लाई कर दो, साथ में आप चाहो तो अभी साथ में अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो एग्जाम के बाद आप बाद में सेकंड वाले अप्लाई कर सकते हो। और लेट से भैया मेरे को ओनली थर्ड वाला देना है, तो आप फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड वाले के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अभी साथ में भी अप्लाई कर सकते हो, दो तीनों के लिए बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। ये है कि वो साथ में अप्लाई करने से कुछ कुछ जो है फीस कम लगती है, तो वो आप देखना, वो मैंने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर, आप जो बताई थी बनाई थी मैंने नाटो वाली वीडियो, तो डिस्कस किया था मैंने डिटेल के अंदर कि आपको साथ में फिल करना चाहिए, कैसे क्या फिल करना चाहिए, वो सब वहाँ, राइट। डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्रॉपर क्यूरिंग वगैरह यहाँ पर बता रखा चाहिए, तो कुछ कुछ जो कुछ कुछ जो पर प्रैक्टिकल चीजें हैं वो भी इंक्लूड हो जाती है, वो सब चीजें हमको थोड़ी याद रखनी, ठीक है। आर्चेज हमारे पास हो गया, आर्चेज, टाइप ऑफ आर्चेज याद रखें, फ्लैट आर्च, फ्लैट आर्च, पॉइंटेड आर्च, थ्री पॉइंट आर्च, टू पॉइंट आर्च, ये सब आर्च यहाँ पर आ जाते हैं। किस किस मटेरियल से मिलकर क्या बन रहा है, वो सब चीज़ आती है। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ आपको वीडियो मिल जाएगी, यूट्यूब पे आपको सर्च कर लेना, आज या फिर कल, आज या फिर कल यूट्यूब पे जाकर सर्च करना कि एप्टीट्यूड क्या लिखना, जेई बी आर 2023 एप्टीट्यूड मटेरियल, या फिर लिख देना जेई बी आर 2023 एप्टीट्यूड, इतना लिख देना बस, लास्ट 10 डेज, कहीं ना कहीं आपको वीडियो जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, या हमारे चैनल पे, पर्सनल चैनल पे कहीं भी मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां भी आपको चीजें मिल जाएगी, राइट। कैविटी वॉल भी याद रखें, कैविटी वॉल भी इसके अंदर आ जाएगा, आपको इंक्लूड हो जाएगा। 51 पेजेस ही हो जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, और बात करते हैं तो ये सेल्फ गाइड से आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, 5 से 6 पेज सेल्फ गाइड हो जाते हैं, 51 पेजेस ही हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, हो गया 55-56 पेजेस हो गया अप्रोक्सीमेटली, 50 ऊपर पेज चलेगी और क्या चाहिए। और प्लस साथ साथ कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होएगा, पीवाईक्यूज तो करना ही है, पीवाईक्यू तो छोड़ के जाना ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से हम लोग कवर कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सारे क्वेश्चन के यहाँ पर रिपीट भी होते हैं, ये रिपीट भी होती है, यहाँ रखना तो थोड़ा याद रखें, चीज़ें रिपीट भी होती है। स्टेट्स हमारे पास आ जाता है, टेक्निकल टर्म्स, बेलिस्टर, बेलिस्ट्रेड, स्ट्रिंग, हैंड्रिल, स्टेयर का अच्छा याद रखें, पहले बता दो स्टेयर से क्वेश्चन आते हैं, स्टेयर से क्वेश्चन पूछता है, स्टेयर के अंदर नॉर्मल याद रखें, इसको क्या कहते हैं, ये राइजर क्या होता है, ठीक है, ट्रेड क्या होता है, राइजर क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ये थोड़ा सा जो स्टेयर से बाहर निकली होती है यहाँ से, ऐसा थोड़ा सा गैप बताओ, स्टेयर थोड़ी सी बाहर निकलती है आगे से, जो उसका होता है ट्रेड, वो थोड़ा सा बाहर निकलता है, ठीक है, तो जो बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं, जो हिस्सा होता है थोड़ा सा बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं क्या, नोजिंग, नोजिंग क्या होता है, हमारे जो स्टेयर के ऊपर जो वो लगती है रेलिंग, ठीक है, हैंड्रेल, वो हैंड्रेल का हम इधर के होता है हमारे पास, लगता है बेलिस्ट्रेड वगैरह लगते हैं, वो सारी चीज़ लगती है, लाइन ऑफ नोजिंग क्या होती है, ठीक है, इनकी स्टैंडर्ड डायमेंशन वगैरह क्या होती है, ऐसी ऐसी चीज़ें क्या यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। पिच क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्टेयर के, कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, टाइप ऑफ स्टेयर यहाँ पर मिल जाती है आपको, किस तरह की टाइप ऑफ स्टेयर यहाँ पर होती है, राइट, वो सब चीज़ यहाँ पर होती है। नॉर्मल ब्रिक की साइज हमारे पास होती है 9 इंच, 4.5, 3, नॉर्मल ब्रिक की साइज जो हमारे होती है 3 इंच, 4.5 इंच, 9 इंच, 9 × 4.5 × 3, L×B×H, टर्निंग स्टेयर्स वगैरह क्या होती है, सर्कुलर स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर, ज्योमेट्रिक स्टेयर, बाइफरकेटेड स्टेयर्स वगैरह होती है, देखो टाइप ऑफ स्टेयर्स यहाँ पर ये इंक्लूड हो जाती है, सर्कुलर स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर, कर्व्ड ज्योमेट्रिक स्फीयर, बाइफरकेटेड स्टेयर आती है। क्लासिफिकेशन स्टेयर बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज यहाँ पर हो चुकी है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर क्लासिफिकेशन हो रहा है, प्लास्टरिंग हम बात कर चुके हैं,
ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लेकिन यहाँ पर वो भी थोड़ी मेथड्स वगैरह बता रहे हैं इसके अंदर प्लास्टरिंग के। डोर शिंटो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इस टॉपिक को मत छोड़ना यार, मतलब छोड़ना तो कुछ भी नहीं है हमको, पर लेकिन जो बता रहा हूँ मोटे मोटे टॉपिक जो ब्रिक सीमेंट के बताया, ब्रिक सीमेंट आर्च वगैरह हो गया था, वो सब चीजें हो गई थी साथ साथ के अंदर, ये डोर एंड विंडो। और प्लस इसके अंदर याद रखिए डोर विंडो के अंदर हमको याद रखना है कि हर चीज की हमको इमेजेस पता होनी चाहिए, और जो भी डोर विंडो आप कर रहे हो उन सभी की क्या याद होनी चाहिए, उन सभी की हमको पता होनी चाहिए नोमेनक्लेचर, हर एक डोर विंडो नोमेनक्लेचर पता कर ले, नोमेनक्लेचर याद कर ले, ठीक है। नोमेनक्लेचर याद कर ले, नेमिंग, नोमेनक्लेचर मतलब क्या बोलते हैं, नेमिंग, या फिर बोल सकते हैं क्या लेबलिंग, नेम या फिर लेबलिंग, तो ये सब चीज हमको थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट right? तो केसमेंट विंडो हमारे पास सी हो जाती है, वुडन केसमेंट विंडोज सेक्शन वगैरह है, विंडोज वगैरह यहाँ पर स्लाइडिंग डोर वगैरह आ जाते हैं, मेटल विंडोज आ जाती है, लिंटल्स को कहते हैं, ये सब चीज को थोड़ी पता होनी जरूरी है। गेबल विंडो हो गया, डॉर्मर विंडो हो गया, क्वेश्चन गेट में आया हुआ है पहले एक बार, ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया था, आपके यहाँ पे चार पांच विंडोज बना के दे रखी थी, 1 2 3 4 ऐसे चार पांच अलग तरह की विंडोज बना के दे रखी थी, और यहाँ पर नाम लिख रखे थे कुछ पांच छह, चार पांच पांच नाम लिख रखे थे, तो मैच करना था उसमें, एक में था गेबल विंडोज, टाइप्स ऑफ विंडोज ही थी वो, उसमें गेबल विंडोज भी था, ठीक है, वहां पर एक डायग्राम बना रखा था ऐसा अटका डायग्राम ऊपर ही बना रखा गेबल विंडोज, वो हमको मैच करना था, एक स्टोव इसमें सॉरी डॉर्मर विंडोज, ये जो डॉर्मर विंडो गेबल विंडो ये सब चीज़ यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाती है, तो ये क्वेश्चन कहीं भी आ जाते हैं, बे विंडोज क्या होती है, स्काईलाइट्स क्या होती है, लेंटन्स क्या होते हैं। वैसे इसके ऊपर एक पर्टिकुलर बुक भी है जहाँ पर ओनली बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन की बात होती है, जो हम पास पढ़ रहे हैं हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन BMC, इसको बोलते हैं BMC या फिर BCM बोलते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, वो भी चीज है BMC BCM, तो इसकी पर्टिकुलर बुक भी आती है जिसके अंदर ओनली इसी बारे में सब कुछ बताया गया है, वहाँ पर आपको डिटेल में, तो मैंने उस वाली बुक से भी जो है आपको अच्छे खासे यहाँ पर इसमें इंक्लूड सब डेटा दिया है, जितनी भी तरीके से हर टॉपिक के अपन डिटेल में बात कर सकते हैं, बाकी जो आपको डिटेल में सेल्फ गाइड के अंदर मिल रहा है वो मिल ही रहा है, फॉर एग्जाम्पल पेंट्स, पेंट्स के अंदर सेल्फ गाइड के अंदर अच्छे से दे ही रखा है आपको, तो वहां से बिल्कुल पढ़े उसको अच्छे से, गो थ्रू करें चीजों को। राइट डेम डोर्स क्या होते हैं बस वो सब चीज आती है, फील्ड डोर्स क्या होते हैं वो सब चीज आती है, फ्लश डोर कौन से होते हैं वो सब चीज यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है, लोअर्स हमारे बात कर चुके, लोअर्स कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, लोअर्स क्या होते हैं, लोअर्स होते क्या है, मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट कोलेप्सिबल स्टील डोर्स यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, रिवॉल्विंग डोर आ जाते हैं, ये वो डोर रिवॉल्विंग हो गया, रिवॉल्विंग डोर हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। राइट कोलेप्सिबल डोर्स यहाँ पर आ जाते हैं, ग्लेजिंग टाइप ऑफ ग्लासेस वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है, टाइप ऑफ ग्लास ग्लेजिंग, ग्लास कर रहे हैं पढ़ लें इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अबाउट 3 to 3.5, फ्यूज विद स्टेबिलिटी ब्राउन के येलो इन कलर्स, स्टोन्स ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ पढ़ना ही है हमको स्टोन्स, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमन यूज स्टोन्स ये याद रखे बस, कॉमन यूज स्टोन्स वगैरह ये थोड़े में जो हम घरों में जो मेनली जो कॉमन चीज काम आती है, मार्बल टाइप हो गया, ओरिजिन कंपोजिशन, मार्बल का कंपोजिशन वगैरह ओरिजिन वगैरह बता रखे आपको, प्रॉपर्टीज बता बता रही है, क्रशिंग स्ट्रेंथ 500 to 600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, कलर ऑफ द मार्बल द यूजुअल कलर मार्बल व्हाइट कलर का होता है बट इट्स ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट शेप कलर्स, सब कलर्स में अवेलेबल है, ड्यूरेबल स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखो मार्बल की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको देखिए 2.72, इट्स वेट 2720 किलोग्राम, ठीक है, पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इज 1 to 3% एब्जॉर्प्शन, चीफ यूजेस यूज्ड एज ए बिल्डिंग स्टोन डेकोरेटिव पैनल वगैरह वो सब चीज काम आ जाती है, बेसाल्ट के बारे में चीज आपको बता रखी है, लाइमस्टोन ग्रेनाइट यहाँ पर चीजें बता रही है आपको, फाउंडेशन भी याद रखें, फाउंडेशन टाइप ऑफ फुटिंग इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, मेनली मैंने बात कर चुका था, इस नीचे आएगा पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, RAFT, राफ्ट फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, टाइप ऑफ पाइल फाउंडेशन,
टाइप ऑफ फुटिंग, इसमें ही आपको सब चीजें मिल जाएगी। तो आगे रॉड फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन क्या हमारे पास है, डीप फाउंडेशन के टाइप्स हमारे पास आ जाते हैं, ऐसे करके चीजें यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को अच्छे से गो थ्रू करें। और जो कल वाली पीडीएफ थी फेमस बिल्डिंग की हमारे पास, तो कल वाली भी तीन पीडीएफ थी, फेमस बिल्डिंग है उसको मिलाएगी ओवरऑल की थी, तीन पीडीएफ है। और हमारे ओवरऑल एक पीडीएफ आपको जो है वो उसकी है फेमस आर्किटेक्ट्स के बारे में, एक पीडीएफ उसकी है, और आपको टोटल मिलाकर दो पीडीएफ हमारे पास किसकी है, इसकी। तो बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की, टोटल 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 to 7 PDF है। 7 PDF, एक और पीडीएफ हो सकती है, वो शायद हो सकती है बिल्डिंग, इसके अंदर बात करते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट्स, तो वो भी यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे करके 7 PDF, 6-7 PDF मैं आपको एक सिंगल वीडियो के अंदर सब चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, आज या फिर कल कल के अंदर अंदर। यूट्यूब जाकर सर्च कर लेना भाई, यूट्यूब के अंदर JEE Arc 2023 एप्टीट्यूड वगैरह जो भी नई वाली वीडियो होगी आपको आज या कल के अंदर मिल जाएगी, उसमें सब PDF में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं आप इस इवनिंग के अंदर 6 PM के ऊपर नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारे पास कौन सा है, कलर थ्योरी। और कुछ कलर थ्योरी को समझते हैं, कलर थ्योरी के अंदर कैसे क्या चीज़ें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, आराम से ब्रेक लो, वापस मिलते हैं अपन।